अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बाइनरी फ्यूजन और माइटोसिस के दरमियान के डिफरेंस को समझेंगे, लेकिन डिफरेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी फ्यूजन और माइटोसिस के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी दोनों प्रोसेसेस के एंड पे आपको क्या मिलेगा, दो न्यू सेल्स मिलेंगे जिनका जेनेटिक मेकअप आपस में सिमिलर होगा। सो प्रोडक्ट जो इनका हासिल हो रहा है उस हिसाब से ये आपस में सिमिलर हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं वो देखते हैं। बाइनरी फ्यूजन याद रखिए रिप्रोडक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी नंबरिंग इंक्रीज करने के लिए, अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेथड आ जाता है बाइनरी फ्यूजन। सो बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन पर्पज़ के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया को देखें, अपनी नंबरिंग इंक्रीज करने के लिए बाइनरी फ्यूजन का सहारा लेता है। इसी तरीके से यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, पैरामीशियम एग्जाम्पल ले लें, यूग्लिना ले लें, ये क्या करते हैं बाइनरी फ्यूजन के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है जो कि सेल्स की ग्रोथ करवा रहा होता है या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के जरिए रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, राइट। सो माइटोसिस बेसिकली हमारी ग्रोथ में हेल्प करवा रहा होता है, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है फंक्शन का। बाइनरी फ्यूजन का फंक्शन प्योरली रिप्रोडक्शन है, इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए यूज नहीं होगा, जबकि माइटोसिस में क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही होगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है कि बाइनरी फ्यूजन का मैकेनिज्म आपको प्रोक्रियार्ट्स और यूक्रियार्ट्स दोनों में देखने को मिलेगा। प्रोक्रियार्ट्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं डेफिनेटली, और यूक्रियार्ट्स में मोस्टली आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, प्रोटिस्ट वगैरह आ जाते हैं जिनमें बाइनरी फ्यूजन का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जबकि माइटोसिस का मैकेनिज्म आपको यूक्रियार्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में ये नहीं होगा। और यूक्रियार्ट्स में भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइटोसिस का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। और एक और डिफरेंस जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक सेल दो में डिवाइड हो रहा होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस है, जबकि माइटोसिस अगर न्यूक्लियस की डिवीजन भी हो जाती है तो उसे हम माइटोसिस में लेते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस की जब डिवीजन होती है उसके बाद एक और स्टेप होता है जिसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, वो एक डिफरेंट स्टेप आ जाता है, जबकि बाइनरी फ्यूजन के अंदर साइटोकाइनेसिस इंक्लूड होता है, ये आपने याद रखना है। ओके, और क्या डिफरेंस है जी, बाइनरी फ्यूजन में स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते जो कि माइटोसिस में बनते हैं। होपफुली आपको पता होगा स्पिंडल फाइबर्स का, यानी बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस इस तरीके से पिंच होकर सेपरेट हो जाता है, जबकि माइटोसिस में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं इस तरीके से, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स को खींचते हैं और क्रोमोसोम को अपार्ट करते हैं। सो ये डिफरेंस भी आ जाता है। और अगर स्टेजेस की बात करें तो बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन पहली स्टेज है, जो डेफिनेटली माइटोसिस के लिए भी मेन गोल तो यही होगा ना कि क्रोमोसोम पहले अपने आप की नंबरिंग इंक्रीज करे, डुप्लीकेट करे, अपनी नंबरिंग डबल करे, क्योंकि जब सेपरेट होगा तो दोबारा से हाफ हाफ दोनों में चला जाएगा। सो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, उसके बाद क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन होती है, क्रोमोसोम अलग होते हैं, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। जबकि माइटोसिस की स्टेजेस में मैंने आपको बताया साइटोकाइनेसिस नहीं होता, प्रोफेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, होपफुली आपको ये स्टेजेस का पता होगा। तो ये डिफरेंस भी आ जाता है, और ये कुछ डिफरेंसेस थे। और प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिमिलर होता है, टू सेल्स बनते हैं विद आइडेंटिकल जीनोम। सो यहाँ पर भी टू सेल्स बनते हैं विद आइडेंटिकल जीनोम। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।